अभी तो तुमने फोर व्हीलर की बात निकाली ना, तो मैं अभी ड्राइविंग सीख रहा हूँ, ठीक है। आज पहला दिन था मेरा फोर व्हीलर सीख ड्राइविंग रहा क्लास है। का, ठीक है। तो हाँ गया हूँ, उसने मुझे सब कुछ ठीक है बताया और चलाने दे दिया, ठीक है। मैं ऐसे थोड़ा नर्वसनेस के साथ रोड पे आगे पीछे कोने, और वो मुझे पूछ रहा है क्या कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ ड्राइविंग कर रहा हूँ। वो मुझे ऐसे देख रहा है कि ये क्या, वो पूछ रहा है तू कर क्या रहा है, मतलब पढ़ाई में क्या कर रहा है। अबे मैं MBA कर रहा हूँ, ठीक है, शांत हो गया। अबे उसको क्या पूरा एक्सप्लेन करूँ कि नहीं मैं क्या कर रहा अबे हूँ। ये ठीक है आंसर। पढ़ाई कर रहे हो, आगे आदमी नहीं नहीं पूछता है, बोले पूछता। नहीं काम कर, क्या काम कर रहे हो, कैसा काम एक तो है, मतलब कितना आ जाता मैं मेरे है। शक्ल से मैं शायद लगता भी नहीं 24 का हूँ, तो लोग मान लेते कि हाँ ठीक है भाई ये पढ़ाई कर रहा होगा, तो ओके ठीक है। मेरे लगता है मेरे को ये बिजनेस की वजह से ना मैं अपनी उम्र से ज्यादा दिखने लगा नहीं, तुम हूँ। 21 से हाँ बड़े लगते हो। अंदाजन अंदाजन मुझे वही 22 23 के लगते हो तुम, क्योंकि तुमने जब मोहित मोहित 24 25 क्योंकि 24 25। अरे तुम बात करो तो एक लड़की ने मेरे को बोल दिया कि 30 के आसपास लगते हो। 30 के आसपास तो नहीं लगते, 26 27 भी एक बार को बोलो तो मैं मान क्योंकि तुमने इसी पॉडकास्ट में जब पहली बार एज बताई थी ना 21, तो मुझे शौक लगा था 21 मैं खुद भी शॉक्ड हो गया। सच में मेरे को लगता है ना कि जब बिजनेस चालू किया था ना तो कई सारे उसमें भी कमेंट्स आते हैं ना कि सिंसियरिटी अपनाओ, बोरिंग कपड़े पहना करो, हाँ ज्यादा फंकी मत रहा करो। तो मेरे ख्याल से उस हिसाब से वो आपका एक ना वो ऑरा आने लगता है उस हिसाब अब से देखो कि टाइम आ गया रणवीर सिंह से इंस्पिरेशन लेने का, बोल रहा है मैं। नहीं ठीक है देखो। एक्चुअली नहीं, पता है क्या होता हाँ है, बहुत सारी चीजें, जैसे मैं, मेरे साथ भी होता है, जैसे मैं अपनी, मेरा जो प्रोफेशन है उसमें मैं जैसे क्लिनिक पे जाता हूँ या हॉस्पिटल जाता हूँ तो मैं जनरली फॉर्मल पहनता हूँ, शर्ट पहनता हूँ। तो अलमारी में शर्टें रखी हुई हैं ऐसे स्लीव्स फोल्ड करके सीधा ऐसा पहन और ही लेते हो बस क्या? सीधे, हाँ बस, नहीं, ऐसे डाली, दो बटन खोले, ऐसे डाली, स्लीव्स तो फोल्डेड ही है, वाह, तो बस वो ऐसे भाई डाली और वो वो थ्री थ्री इडियट्स पैंट में कौन था चढ़ाई, प्रोफेसर उनका? वायरस वायरस था ना, टाई भी ऐसे हुक वायरस। वाला पहनता था ताकि टाइम ना लगे उसमें। हाँ, तो बस ऐसे वो दो बटन खोले, फट से डाली, वो जैसे टी शर्ट जैसे, स्लीव्स तो ऊपर ऑलरेडी फोल्डेड सही है, बस ऐसे कैसे स्टेथो तो डाला, चले गाड़ी में बैठे निकले नहीं अभी मेरे ख्याल से, फालतू। मेरे का अभी एक शर्ट होगी मेरे पास जो मेरे को पहनना पसंद है, वो लाल चेक में, तुमने देखी वीडियो, वही मेरे को देखिए पसंद भी है, मैंने और कोई जितनी शर्ट रखी मेरे को पसंद नहीं है। नहीं, लेकिन हाँ मेरे को नहीं पसंद शर्ट पहनना, हाँ पता है, लेकिन तो लेकिन देखो मजबूरी। एक आध बार अचानक से ऐसे शीशे में गुजरा हूँ ना हॉलवे में, मैं देखा यार सेक्सी तो दिखता हूँ इसलिए। पीजे तुमको अगर कुछ एडवाइस देनी हो तो फिर ट्राई करो नई नई चीजें। कपड़े खरीदने जाओगे तो कुछ एक्सपेरिमेंटल ट्राई करो, क्या पता कुछ नया पसंद आ जाए और वो अरे ज्यादा यार पसंद आ तुम जाए। बात करें एक्सपेरिमेंटल की, मैंने जूता लिया पुष्पा के टाइम से, एक हफ्ता पहले लिया हुआ था जूता, और वही हॉल के बगल में ही था, टाइम लगा हुआ था तो मैंने वहां जूते लिए, क्या तो फिर ये हाँ पिक्चर देखने गए थे और तुम जूता लेके आ गए? जूता ले हाँ मतलब लिया। मेरे पास वो लेस वाले जूते नहीं थे तो मेरे ये बादल भाई क्या चल रहा है, 15,000 की लाइट है, ये लेस वाला जूता नहीं था तो मैंने लेस वाला जूता खरीद लिया, पिक्चर पिक्चर देखने देखने गया था मैं, हाँ। ये ब्रो देखो दिस इज अपने लाइफ में क्या था, ठीक है, पिक्चर में देखने गया था, मुझे भूख लगी थी मैंने समोसा खा लिया, मैंने पॉपकॉर्न ले लिया। ये वही पिक्चर वही देखने गया था, वही जूता नहीं था, जूता ले ली, जूता ले लिया, क्यों, लेस मेरे पास वाला नहीं लेस था। वाला जूता नहीं था। ठीक है भाई, ठीक है मेरे भाई, पास एक ही जूता है, वो हॉस्पिटल पहन के जाता हूँ मैं, हाँ वही जिम पहन के जाता हूँ मैं, हाँ और वही मैं हर कई दुनिया सही जमाने वही पहन के घूमता हूँ मैं, अच्छा और वो लेस भी है उसमें। अरे तो इसीलिए थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा तो मैं लिया था। फिर पता है क्या हुआ, उसको मैंने काफी पहना, मैं अभी तक पहनता हूँ, उसमें चेन उन लगी हुई थी, थोड़ा सा हाई हील्स जूते वाला में था। चेन व्हाट हाई हाँ अरे हील्स, अरे वो एंकल वाली थी वो समझ ऐसे गया मैं, लंबी। समझ गया मैं, ओ, शौकीन, वो शौकीन मतलब वो स्टाइल फिर वाला। बहुत ज्यादा हाँ तुमने एक्सपेरिमेंटल ले लिया आप जैसा तुम पहनते आ रहे हो हाँ उससे। नहीं बहुत, हाँ नहीं मतलब कि है, मतलब भारी भरकम तो दमदार पर्सनैलिटी वाला टाइप ऐसे कुछ, ठीक है, वैसे जूते लिए, एक हफ्ता भी नहीं हुआ था और चूहे ने दोनों पैर के लेसेस काट दिए। लेसेस वाले नहीं थे इनके पास, लेसेस वाले लिए चूहे ने लेसेस के। लेसेस वाले थे वो, हाँ चेन फिर क्या चेन करेंगे, नहीं डिजाइन तो थी ना, मतलब डिजाइन थी चेन, चेन। हाँ डिजाइन वो भी लगती थी, बिना चेन खोले तुम जूता नहीं उतार पाओगे। अच्छा, हाँ समझ गया, वो एंकल वाला। नहीं हाँ लेकिन तो तो कितना आयरोनिक हो गया ना, ये बोल रहे कि मेरे पास लेसेस वाले जूते नहीं थे, पिक्चर देखने गए लेसेस हाँ वाले जूते ले लिए, घर पे लेके हाँ आए 2 दिन 4 दिन बाद चूहे ने वो लेसेस ही काट हाँ दिए, तो फिर कार्ड, वही बन गया इट्स एज इफ द वर्ल्ड डजंट डेस्टिनी वांट यू टू हैव डेस्टिनी। और लेसेस देखो बता, उस दिन मेरे को इतनी खुन्नस आई, मन किया ना चूहे पकड़ो, ये ठीक कट कर है, देना, चूहे को ये पकड़ना ही अपने आप में वही बहुत बड़ा वही टास्क है, पकड़ो जिंदा ये कैसे, जलाना, ये बीप कर ठीक है देना, बीप कर आप। देना। हाँ लेकिन लेकिन घर वालों ने पेटा रो वाले लिया। आ जाएंगे, ओ पेटा वाले, बाबा, अरे
अब मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरे को नुकसान हुआ, नुकसान की बात छोड़ो, मैं मेरे को गुस्सा आई, एक हफ्ता नहीं हुआ था और वो लेसेस मैं आज तक खोज रहा हूँ। उसमें वैक्स लगे हुए थे, वैक्स वाले लेसेस थे, थोड़े मोटे भी थे, जहाँ से मैंने जूते लिए वो बंदा भी, उस बंदे के पास भी नहीं है। अब फिर कभी जाऊंगा उधर देखने के लिए तो फिर बोलूंगा भाई तू ऑर्डर पे ले आ, मैं दे रहा हूँ तेरे को पैसे। फैक्ट्री का नाम बता, खरीद क्या सीखने मिला? डेस्टिनी इज अ बिच, उससे बड़े ज्यादा, उससे ज्यादा बड़े चूहे। हाँ डेस्टिनी तो हो गया, देखो अब देखो, लेकिन चूहे और भी ज्यादा बड़े वाले। चूहे का मेरे को तो कुछ करना ही था, मेरा मूड खराब था। हाँ मैंने 600 रुपए का अपना पिंजरा खरीद के लेकर आया उसी दिन जिस दिन मेरे को पता चला कट गया। उसी दिन पकड़ा के नहीं, उसी दिन। और 5 दिन में मैंने 5 चूहे फेंके, तब से एक भी नहीं आया तब से। लेकिन फिर वो लेस भी चूहों के साथ गई ना, वो तो उतर दी ना। अब क्या बचा? अब जूते पहन रहा हूँ लेकिन थोड़े दूसरे लेसेस लगा के वो फील खत्म हो जाती है ना। लेकिन कम से कम संतुष्टि तो है कि करने वाले को तो बदला ले लिया, ठीक है। जो लेसेस की आत्मा है उनको शांति मिल गई। अरे अब वही यार, देखो बात वही हो जाती है ना, बैटमैन के मम्मी पापा को भी मारा, वो कितना भी बदला ले ले मर गए, वो तो वापस आने से रहे ना। नहीं, नहीं, वही अब वो बैटमैन है फिर भी नहीं कर पा रहा। और अभी भी है, अभी भी घर में है चूहे, मेरे को नजर आते हैं, लेकिन वो खौफ में होंगे। क्या ही क्या अब वो जो है ना अपना बदला लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। तुम्हें देखो पीजे, अब एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, या तो इस चीज को अपना लो या फिर रात में काले कपड़े मास्क वास्क पहन के निकल चूहे मारने। हेट का जो साइकिल है उसको चलने दो, तुम चूहों से बदला लो, ये हेट चूहे तुम्हारे जूते चुराएंगे, फिर उसके बाद तुम एक रॉबर्ट ढूंढ के जो जिसे तुम चूहे पकड़ने के लिए ट्रेन करो, तो तुम्हारी फैमिली का पार्ट बन जाएगा। फिर उन चूहों में से एक चूहा होगा जो बहुत ही खतरनाक होगा, वो मैं बहुत परेशान करता हूँ, फिर वो उस रॉबर्ट के कान कुतरते उनमें से कोई, मतलब गौतम के बदले पीजे हाउस होल्ड, सारा जो लोकेशन है पीजे का हाउस आजमगढ़, आजमगढ़ में जितने भी चूहे हैं वो उनका उनका जो है उनका काल उसमें गिरेगा पीजे। क्या बोलते हैं, क्या डाले, आई एम डेथ, आई एम वेंजेंस, जस्टिस, आई एम वेंजेंस, आई एम वेंजेंस, आई एम वेंजेंस, आई एम द नाइट, आई एम द नाइट, आई एम द नाइट, आई एम। लेकिन अपन ये जो बोल रहे थे ना कि कुछ मतलब कपड़ों के इसमें पूरा कुछ अलग ट्राई करना, तो सिर्फ जूतों से नहीं, पूरा एक आउटफिट ऐसा सोच लो कि कुछ अलग, मतलब रणवीर सिंह बन जाऊं क्या? नहीं वो तो एक्सट्रीम हो गया ना यार। हाँ। और वो सिर्फ रणवीर सिंह ही कर सकता है। there is a very fine line that is where you operate। एग्जाम में मेरे को भी बहुत ऐसे बोलते थे कि क्या ये इतना वनीला आदमी कैसे हो सकता है, मतलब वनीला अबे कॉम्प्लीमेंट है गुरु, वनीला कॉम्प्लीमेंट, अबे मतलब एकदम वनीला, मतलब वो एकदम सादा सिंपल, मतलब वही बेसिक सादा सिंपल हो गया ना ऐसा। नहीं मेरे को वनीला मतलब मेरे ख्याल से वनीला कोई बोले मेरे को लगता है ना फ्लेवर की बात थोड़ी हो रही है, तो मेरे को तो जीने दे यार भाई। कि मेरे को कोई वनीला बोल दे मैं पिघल जाऊं। देखो मैं बोलूं यही गलती हो रही है तुम्हारी, पिघलना नहीं है सख्त बनो। तीन ने ठुकराया, चौथी हाँ बोल दी, तुम सख्त बनो। ठीक अब मेरे को बात ही नहीं करनी है, ठीक है। तीन बजे के बजाय रात में 12 बजे सोना शुरू करो, शरीर की आग हीटर पे उतारने की बजाय लोग गलत सेंस बनाएंगे इसका। बाप रे बाप।